हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन भंडार में आपका स्वागत है। अपनी क्लास ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति चल रही थी, ठीक। और त्रिकोणमिति में अपने सबसे निम्न स्तर के फॉर्मूले चल रही थी, निम्न स्तर के फॉर्मूले पढ़ रहे थे अपन। अभी सवाल दो शुरू ही नहीं किए थे, ठीक है। तो अपनी दो एक क्लास हुई थी, जो सेकेंड क्लास है उसकी, ठीक है। तो अभी क्या फॉर्मूले ही चल रहे थे, उन्हें एक्सप्लेन हो रहा था अपना। इससे आगे ही क्लास है, इसके पहले ही क्लास, जिसने नहीं देखी वो इससे पहले ही क्लास देखे, इसके बाद इस क्लास को देखे, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूले करे थे, ठीक है, इसके इससे पहले वाली क्लास है, ठीक है। अब सब ये सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूले यही है ट्रिग्नोमेट्री के, और सबसे छोटे फॉर्मूले भी यही हैं, और सबसे ज्यादा यूज भी यही इन्हीं का होता है। सभी को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन, ठीक है। अभी तक अपन ये पढ़ते थे, टीचर लर्न करा देते थे, और मैंने बताया था इससे पहले ही क्लास में, मैंने बताया था कि ये कैसे आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन क्यों होता है, कैसे होता है, ये चर्चा हो चुकी थी, ठीक है। इसके आगे का पढ़ते हैं, अब इसका आगे का पढ़ते हैं अपन। ये तो लर्न है, लेकिन आपको इतने से काम नहीं चलेगा। आपने ये लर्न कर लिया, इतने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको इससे आगे का लर्न करना। देखो, यदि ये साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करके इस तरफ ले जाए, पक्षांतर करना तो आता ही है, पक्षांतर करना मतलब तो सभी को आता है कि जो बराबर के इस तरफ होता है, अगर इस तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। अरे माना कि ये रोड है, एक क्या है? एक सड़क है ये, अगर सड़क क्रॉस करोगे तो यदि आप प्लस में होगे तो माइनस में चले जाओगे, और माइनस में होगे तो प्लस में चले जाओगे, ठीक है। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला सबको लर्न रहता, यहां तक भी लर्न कर लेते बच्चे, ठीक है। आपको यहां से भी काम नहीं चलने वाला, और भी अंदर का लर्न करना है। ये लिखा साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सभी को पता है। अब सभी को एक रूल या एक फॉर्मूला याद करते हैं, एलजेब्रा का फॉर्मूला है, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे डिटेल से। ए स्क्वायर माइनस बी का ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, एक बार ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहां तक ये फॉर्मूला करवाते बच्चों को, ये भी करवाते, लेकिन इतना टाइम नहीं रहता कि फॉर्मूला से निकाल, फॉर्मूला से फॉर्मूला बनाओ फिर सॉल्व करो। और मैथ का मतलब ये कुछ जोड़ो घटाओ, कुछ नई चीज का आविष्कार होगा मैथ में तो है। मैथ का मतलब ही मैथ मतलब ये गणित, गणित का मतलब ये गलत, आप गलत करोगे उसी से सीखोगे आप, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहां तक तो सब बेशक थे, इसके आगे, ठीक है। अब ये बन लिखा, ये लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर इसे ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें तो क्या दिक्कत है, यही तो लिखा ही, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर क्या, यदि यहां स्क्वायर कर देते तो फॉर्मूला बन गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में एक ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। तो अपन यही कर दिया, ठीक है, अपन ने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो एक ब्रैकेट में क्या होगा वन माइनस कॉस थीटा, और अगले ब्रैकेट में क्या होगा वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है, क्या होगा वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा। ये जितने लिखवा रहे हैं एक से काम नहीं चलेगा, आपको सारा लर्न करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक लर्न कर लिया और काम चल गया, आपको ये सारा लर्न करना पड़ेगा तभी कुछ होने वाला है, वरना तो आप घंटों लगा दोगे सवाल में, और ट्रिग्नोमेट्री के सवाल सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, घंटों में करोगे पेपर ही निकल जाएगा, पता चला पांच क्वेश्चन लिए बैठे रहे, घंटे ही निकल गया पूरा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले जो इनसे बन रहे हैं ये भी लर्न करना है इसमें, तभी कुछ होगा, ठीक है। तो कॉस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहां तक समझ लिया अपन ने, ठीक है। इसके आगे क्या समझना है, इसके आगे देखो, यहां तक तो हो गया अपना, ठीक। इसके आगे देखो, यदि साइन स्क्वायर थीटा है, यदि हम साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते कि नहीं लिख सकते,
साइन स्क्वायर मतलब दो बार है, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। यहां क्या था, वन माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, वन प्लस कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में, कोई दिक्कत, ऐसे साइन स्क्वायर थीटा तो लिखा था, ये साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ के साइन इंटू साइन लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ के साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख दिया। यदि इस एक साइन को इस तरफ लाए और एक इस वन माइनस कॉस को इस तरफ लाए तो क्या बनेगा, अपना अपना बनेगा साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा, क्या बनेगा, साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा इक्वल क्या था, वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही बनेगा। एक साइन को इस तरफ ले गए और एक कॉस को इस तरफ लाए तो साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये वी लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए फुर्तियों में, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, इतना टाइम नहीं रहेगा। ये सारा जितना मैं लिखवा रहा हूं ये फॉर्मूले से फॉर्मूले बन रहे हैं, सारे लर्न होने चाहिए, लर्न नहीं हो गए कचरा कुछ नहीं होने वाला फिर तो, ठीक है। क्या होगा, साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा बराबर वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक बार फिर से समझते हैं, फॉर्मूला था अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, यही मैंने लिखा, साइन स्क्वायर थीटा यही रहने दिया, कॉस स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करके इस तरफ ले गया तो क्या हो गया, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा अपनी, वन माइनस कॉस थीटा, अरे दूसरे ब्रैकेट में वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है, यहां तक हो गया था। इसके आगे यदि साइन स्क्वायर थीटा को मैंने साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिखा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और वन माइनस कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा तो सेम थे, अब एक साइन यही रहने दिया, एक साइन इसके पास पहुंचा दिया, एक कॉस वही रहने दिया, एक पक्षांतर करके इस तरफ लिया है, तो क्या बना, साइन थीटा साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा बराबर वन प्लस कॉस थीटा अपॉन वन माइनस वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, इतना होगा। इसके आगे देखते हैं, इतना कर लिया अपन ने, हमेशा एक बात ध्यान रखें, एक बात ध्यान रखें कि कहीं भी लिखा हो, यदि मैं लिख दूं वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका क्या होगा, आगे इसका क्या होना चाहिए, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दिया तो यहां क्या आना चाहिए बताओ मुझे, यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा, तो मैंने कहा हमेशा जब एल एच सारे से बराबर होने चाहिए, यहां क्या है वन माइनस कॉस थीटा तो नीचे क्या आएगा वन प्लस कॉस थीटा, वन माइनस साइन थीटा तो इधर क्या आएगा वन प्लस कॉस थीटा, और इधर साइन थीटा है तो यहां क्या आएगा साइन थीटा। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट के लिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिया हो, इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का साइन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और वन माइनस कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा क्या बनेगा, वन माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या बना साइन स्क्वायर थीटा, इक्वल हो गए दोनों, दोनों इक्वल हो गए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, प्रूफ है ना ये, तो क्योंकि ये दोनों जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या इक्वल आना चाहिए, अपन ने इक्वल कर दिए, ठीक है, तो यहां तक आपको सब कुछ लर्न होना चाहिए, ठीक है। अगर कभी ये क्वेश्चन में लिखा हो तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कंठस्थ कि यहां अगर साइन है तो यहां साइन आएगा, यहां वन माइनस कॉस है तो यहां वन प्लस कॉस आएगा, ये कंठस्थ याद होना चाहिए, ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसके आगे क्या करते हैं, ये नए फॉर्मूले के निर्माण हो रहे हैं, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मददगार होगी, ठीक है, तो ये क्या है अपने फॉर्मूले बन रहे हैं। इसके आगे मैंने कहा कि मैथ का गणित का नाम ये कुछ जोड़ो कुछ घटाओ, मतलब कुछ ना कुछ उसमें करते रहो, ठीक है, अपन ने पक्षांतर किए ये फॉर्मूले बन गए, ठीक है। इसके आगे देखते हैं अपन, देखो इसके आगे देखते हैं, ये मैं बिगाड़ देता हूं, इसके आगे देखते हैं, अभी यही फॉर्मूला चल रहा था, ठीक, अपना क्या चल रहा था,
अपना चल रही चल रहा अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन। ये सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, ये मतलब अगर बोला जाए कि ट्रिग्नोमेट्री की जान है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार फिर से लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन, ठीक है ये फॉर्मूला है। अब इससे नए फॉर्मूला ही बनेंगे, तब तक अपनी क्लास ये नहीं पूरी होगी तब तक अपन क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, छू नहीं पाएंगे क्वेश्चनों को अपन छू नहीं पाएंगे, ठीक है। यदि मैं यहां लिखूं, यदि हम दोनों पक्षों में वर्ग कर दें, यदि हम दोनों पक्षों में वर्ग कर दें, यदि हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो क्या आएगा इसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इधर क्या है वन, तो यहां वन का स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं इसे क्या, इससे क्या निकलता है। मैंने बताया कुछ तो निकलेगा, यदि वर्ग किया क्यों किया तो कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है इससे। देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन फोर थीटा, ठीक है क्या आएगा, स्क्वायर है इसका क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो a और b हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर का स्क्वायर साइन की पावर 4, कॉस का तो कॉस की पावर 4 थीटा, आगे 2 a की जगह साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 का 1, ठीक है। ये मिला a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूल से अपन को इतना मिला, ठीक है। इसके बाद यदि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है, यदि अपन ये 2 साइन कॉस इसको उस तरफ ले जाए तो क्या बनेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर। आपको ये भी लर्न होना चाहिए, कहीं हो यदि कहीं लिखाओ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू होगी 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 रख देते। अरे भैया इसकी वैल्यू 1 नहीं होती, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती, ना कि साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 नहीं होती। लेकिन बच्चे गलतियां यही करते हैं कि जैसे ही देखते हैं इसके आगे हम तत्काल सॉल्व कर देते हैं 1 माइनस 2 इसकी वैल्यू 1 1 माइनस 2 इक्वल 1, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो रूल है रूल के हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, ना कि साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता, ठीक है। इससे अपना ये एक फॉर्मूला का निर्माण हो गया, क्या किया अपन ने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। इसके बाद अपन दोनों पक्षों में वर्क किया, अपन ने वर्क क्यों किया, क्यों भी कर सकते थे, हाँ तो क्यों भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वर्क से ही आएगा, एक नए फॉर्मूले का निर्माण किया अपन ने, तो अपन ने वर्ग किया दोनों पक्षों में तो अपना ये बन गया। यदि सपोज दैट मैं वर्ग नहीं करूं, यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा है, मैं वर्ग ना करके अगर इसका क्यूब कर दूं इसका, अगर मैंने वर्ग किया क्यूब कर दूं तो क्या आएगा, यदि मैं क्यूब करूंगा तो किसका फॉर्मूला बनेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब बनेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी, ये होता फॉर्मूला इसका, ठीक है। माना मैंने इसके क्या कर दिया, क्यूब ही कर दिया, अपन ने वर्क किया स्क्वायर करके एक फॉर्मूला फाइंड कर लिया, इसके बाद अपन ने इसका क्यूब करते हैं। अभी पहले फॉर्मूला चल रहा है, अभी सेकंड भी पढ़ेंगे थर्ड भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा a का क्यूब, तो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब 3 2 6, ठीक है, कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, और ए प्लस की बी की जगह साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से क्या मिलेगा अपन को साइन की पावर सिक्स थीटा प्लस कॉस की पावर सिक्स थीटा, यहां क्या है प्लस थ्री या इक्वल वन भी तो चल रहा था, वन का स्क्वायर वन ये तो भूल ही गए थे, तो क्या मिला साइन की पावर सिक्स थीटा कॉस की पावर सिक्स थीटा, थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो थ्री साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है वन, तो वन का मल्टीप्लाई आएगा तो यही होगा इक्वल वन जाएगा। तो ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला बन चुका है, साइन की पावर सिक्स थीटा प्लस कॉस की पावर सिक्स थीटा प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन। अगर इसे आगे बढ़ा दिया जाए तो साइन की पावर सिक्स थीटा प्लस कॉस की पावर सिक्स थीटा इक्वल पक्षांतर करने से उस तरह भेजा वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया ये नया फॉर्मूला बन गया अपना। तो अपन को ये तो लर्न होने चाहिए, साथ में मैं जो प्रूफ करवा रहा हूं बना के बता रहा हूं ये भी लर्न होने चाहिए, तभी आप मैथ को सीख सकते हो भी ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री हलवा नहीं है कि दो फॉर्मूले लर्न कर लिए और सीख लिया, ठीक है। तो ये भी लर्न होना चाहिए, ये भी लर्न होना चाहिए। अपन ने क्या किया इसी को सॉल्व कर रहे थे अभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, कितने फॉर्मूले एक दो तीन चार पांच फॉर्मूले बना लिए इससे, ठीक है। अब अपन सॉल्व किसे करेंगे, ये अपना सॉल्व हो गया, ठीक है। अपन किसे देखेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, अब अपन इसे करेंगे, ठीक है। इसे नोट कर लो, नोट करना है इसे। तो अपना क्या हो गया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन, ये अपन अच्छी तरीके से प्रूव कर चुके, इसके फॉर्मूले कर चुकी। अपना सेकंड आइडेंटिटी क्या है अपनी, सेकंड क्या है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, क्या है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, अपन को इससे इसे करना है। पहला तो सॉल्व हो गया, इसे करेंगे, इससे फॉर्मूले बनाएंगे, कितने फॉर्मूले बनते हैं देखते हैं। अगर टेन स्क्वायर थीटा को यही रहने दें तो क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा यही रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा और वन को उठा के इस तरफ ले जाए माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। अब टेन स्क्वायर थीटा तो ऐसे रहेगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल वही, इसमें क्या लग जाएगा अगर यहां स्क्वायर वन का स्क्वायर वन ही होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार प्लस में ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, यही फॉर्मूला बन गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को क्या लिखेंगे अपन, सेक थीटा माइनस वन, एक बार लिखेंगे सेक थीटा प्लस वन, सेम जैसा अपन ने इसमें किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वन में था, सेम उसी तरह अपन ने इसमें किया, ठीक है। तो अपन टेन उसमें क्या था साइन स्क्वायर थीटा था, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिखा था, इसमें क्या है टेन स्क्वायर थीटा है, तो उसमें क्या लिखेंगे अपन टेन थीटा इंटू टेन थीटा, टेन थीटा इंटू टेन थीटा क्या होगा इक्वल, यहां तो क्या है सेक थीटा माइनस वन और एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस वन, sec थीटा माइनस वन sec थीटा प्लस वन, ये था अपना दोनों। अब यदि हम tan थीटा एक tan थीटा यही रख लें और एक tan थीटा को इस तरफ पहुंचा दें और sec थीटा माइनस वन, तो यहां क्या आएगा tan थीटा और यहां क्या आएगा वन, यहां क्या आएगा sec थीटा प्लस वन, जी हां सेम उसी तरह का फॉर्मूला ये बन गया tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस वन sec थीटा माइनस वन अपॉन tan थीटा, सेम उसमें बना था साइन में सेम इसमें। तो अपन को कितना लर्न होना चाहिए, पहले तो अपन को ये लर्न होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद अपन को ये भी लर्न होना चाहिए, इसके बाद अपन को ये लर्न होना चाहिए, इससे ये बनेगा। जैसे अब यदि यहां मैं लिख दूं कि चाहे ऐसा नहीं है कि sec थीटा माइनस वन ही ऊपर आ गया, कोई उससे दिक्कत नहीं है, अगर मैं यहां लिख दूं sec थीटा प्लस वन अपॉन tan थीटा, इसका आंसर क्या आएगा tan थीटा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या है बराबर होना चाहिए, ऊपर क्या आएगा tan थीटा
sin थीटा आना चाहिए, और नीचे क्या आएगा, यहां प्लस वन है तो sec थीटा माइनस वन, क्योंकि प्लस वन माइनस वन क्या बनेगा sec थीटा माइनस वन, sec थीटा प्लस वन ये बनेगा sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा क्या बनेगा tan स्क्वायर थीटा, तो इस तरफ भी अपना tan थीटा * tan थीटा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इससे अपन देखेंगे तो ये भी tan स्क्वायर थीटा हो गया, उस वाले में भी हमने करके दिखाया था प्रूफ, इस वाले में भी हो गया, ठीक है। तो इतना हो गया अपना, इतना अगर नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं इसकी, ठीक है। इतने फॉर्मूले अपन को लर्न होना चाहिए। इसके बाद अपन ने उसमें क्या बनाया था, एक बार स्क्वायर करके भी बनाया था, एक बार क्यूब करके भी बनाया था, चलो इसमें भी देखते हैं कि कुछ बन रहा क्या, इसे देखो जरा, ठीक है, इसे बिगाड़ दे, देख लो एक बार, रेस कर दे एक बार इसे, लो ठीक है। तो आप लोगों के बोलने पे मैंने इसे बिगाड़ दिया, ठीक। पहले इसमें एक चीज और देखो, क्या एक आध फॉर्मूला और बन रहा है इससे। यदि अपन ने क्या किया था, अपन वन को ले गए थे, यदि अपन वन को ना ले जाए, वन यहां रहने दे, वहां यहां वन यहां रहने दे, और sec स्क्वायर थीटा तो यहां था, और tan स्क्वायर थीटा को ले जाए इस तरफ, तो tan स्क्वायर थीटा, तो फिर वही बन गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सेम करके दो sec थीटा प्लस tan थीटा, दूसरे ब्रैकेट में sec थीटा प्लस tan थीटा, क्या आएगा वन अपॉन, एक को इस तरफ लिया, बुला लो किसी को भी, sec थीटा यहां माइनस होगा, यहां माइनस होगा, यहां प्लस है तो यहां माइनस होगा, एक जैसे थोड़ी होते दोनों, यहां प्लस है तो यहां माइनस होगा, किसी एक को ही बुलाओ sec थीटा, अगर प्लस वन यहां आएगा, अगर प्लस वन को यहां कर दिया तो क्या बचेगा sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा यहां आ गया अपना, वन का वन sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan, एक इसे उठा के यहां रख दिया, ये इसके मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा, यहां क्या बचा sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस है, और यहां यदि माइनस वाला उठा के रख दो तो यहां प्लस वाला रख दो, क्या एक फॉर्मूला बन गया ना, तो ये लर्न होना चाहिए, और मैं जितने लिखवाते जाऊं ये बिल्कुल लर्न होने चाहिए, कंठस्थ याद होना चाहिए ना, तभी कुछ होगा, ठीक है। इसके बाद पहला फॉर्मूला बना था ये बन गया, अपन को ये भी लर्न होना चाहिए। यदि देखो यहां देखो sec थीटा माइनस tan थीटा एक दूसरे के विपरीत में नहीं दिख रहा है, यहां sec थीटा प्लस tan थीटा या sec थीटा माइनस tan थीटा बना पोन में, ठीक है। इसके बाद अपन आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, गणित इतना आसान नहीं है जितना कि समझते हैं, हलवा नहीं है, दो दिन में सीख जाओगे, और एडवांस में तो फॉर्मूले ही फॉर्मूले लर्न करना है, ठीक है। यदि चलो मैं इसे फिर से बढ़िया से लिखता हूं, क्या था, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, यदि मैं दोनों पक्षों में उस अगर वर्क कर दें, दोनों पक्षों में वर्क कर लू तो क्या बनेगा, अगर दोनों पक्षों में वर्क कर दें तो यहां से कुछ नहीं बनेगा, अपन ने इससे क्या बनाया था, वन इक्वल sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये बनाया था, ठीक। अब यदि इसमें वर्क कर दें, इसे जरा पलट के लिख दूं मैं एक बार, इसे पलट के लिख दूं तो क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल वन, यही आएगा, क्योंकि इससे का यहां वन को ले जा रहे थे, यहां टेन को ले गए तो टेन माइनस में वन यहां था, यहां कर दिया, ठीक है। जैसे कि फिर से समझ लो, वन यही था, सेक यही था, और इस टेन को उठाया तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो गया, ये लिखा था। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल इस तरफ बन था, मैंने इसे सीधा लिख दिया ऐसे इस फॉर्म में लिख दिया। अब यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं, यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या बनेगा, sec की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा, क्या होता, क्या बनेगा इसका, यहां कर दिया दोनों पक्षों में अपन ने वर्क कर दिया तो a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया अपना, क्या होता a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता, ठीक है। तो a स्क्वायर की जगह तो ए स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर रूट था तो सेक की पावर 4 थीटा, बी स्क्वायर की जगह टेन की पावर 4 थीटा प्लस माइनस 2 ए बी, ए की जगह क्या रखा अपन ने, ए की जगह सेक 2 सेक थीटा और
टेन थीटा इक्वल वन। नहीं आया समझ में? अरे भाई दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दिया अपन ने, तो sec स्क्वायर थीटा क्या होगा, sec की पावर 4 थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा माइनस 2av 1 का 1। इसे आगे देखो, sec की पावर 4 थीटा सेम प्लस 10 की पावर 4 थीटा, ये ठीक है। बल इस तरफ है, अगर इसको इस तरफ ले जाएंगे पक्षांतर, तो माइनस का 2av है तो प्लस का 2 sec थीटा * tan थीटा। नए फॉर्मूले का हो गया निर्माण, sec की पावर 4 थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा * tan थीटा, इतना हो गया अपना। ठीक है, ये किससे बन गया अपना, स्क्वायर करने पे। ठीक है, यदि एक बार अपन ने स्क्वायर कर दिया, यदि नेक्स्ट अगली बार अपन इसमें q करके देखें क्या निकलता है, यदि अपन q करके देखें इसमें, क्यों कर दी इसमें, नहीं इसमें तो होगा नहीं। अपन इसका फॉर्मूला क्या बनाया था, sec थीटा माइनस tan थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर वन। इसका क्यूब कर दें, क्यूब करेंगे तो वही a माइनस b का होल क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab cos ब्रैकेट में a माइनस, यही होगा फॉर्मूला। a माइनस b में क्या है, a का क्यूब 2 × 3 = 6, तो sec की पावर 6 थीटा माइनस tan की पावर 6 थीटा माइनस 3, a की जगह sec थीटा, b की जगह tan थीटा, और ब्रैकेट में क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। क्या आएगा, sec की पावर 6 थीटा माइनस tan की पावर 6 थीटा माइनस 3 sec थीटा * tan थीटा, ब्रैकेट में sec थीटा, मैं सही से लिख दूं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1, इतना हो गया। ठीक है, अब अपन इसको sec की पावर 6 थीटा माइनस tan की पावर 6 थीटा, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 3 sec थीटा * tan थीटा, ब्रैकेट में sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। ठीक है, अपन ने क्या किया, पहले स्क्वायर किया था, ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, क्यूब किया, क्यूब में क्या किया, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 अभी ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है, a क्यूब तो 2 पावर यहां थी 3 यहां थी 3 × 6 sec 6 sec sec की पावर 6 थीटा माइनस tan की पावर 6 थीटा माइनस 3 cos थीटा tan थीटा ब्रैकेट में ये आ गया। ठीक है, अब यदि देखो, पहले तो आप इसे अंडरलाइन करो इतना, कभी अगर इतना आ जाए तब भी आंसर रहेगी। ठीक है, sec की पावर 6 थीटा माइनस tan की पावर 6 थीटा, ठीक है, इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखो जरा। ठीक है, तो यहां क्या, यहां से क्या निकला था अपना, 1 इक्वल sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहां क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, तो यहां से क्या कर दें, इसे इरेज, तो अपना क्या बचेगा, sec की पावर 6 थीटा माइनस tan की पावर 6 थीटा इक्वल 1 माइनस 3, ठीक है, 1 माइनस 3 sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, एक बार फिर से समझ ले, इसको क्यूब किया, a का क्यूब b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में मैं a माइनस b, ठीक है, a का क्यूब b का क्यूब माइनस 3 a की जगह sec स्क्वायर थीटा, b की जगह इसकी a की जगह ये रखा गया, b की जगह ये रखा गया। ठीक है, तो अपने ये दूसरा फॉर्मूला खत्म। ठीक है, इतने जितने संभव थे लगभग ये बना चुके हैं अपन, अपना बचा एक थर्ड फॉर्मूला, क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। अब इस पे चलते हैं अपन, ये सबसे छोटे फॉर्मूले थे, इन्हीं से अपन ने और फॉर्मूले बनाए हैं, ये लर्न हो जाएंगे, समझ लो ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगी, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन चालू होंगे अपने, फॉर्मूले खत्म होने के बाद अपने क्वेश्चन चालू होंगे। ठीक है, बराबर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसे देखते हैं अपन, क्या है, 1 यहीं रहने दो, इसे बाहर ले जाओ, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर वही, मैं बार बार नहीं बार बार हूं, जल्दी से करते हैं, क्या हो जाएगा,
कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और क्या होगा यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। ये इसे उठा के एक तरफ रख दो, वन कॉस वन अपॉन कोसेक थीटा माइनस वन, तो क्या बचेगा कोसेक थीटा माइनस वन नहीं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो यहां पर क्या बचेगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। एक तो इतना हो गया अपना, ठीक है, ये क्या एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू दी हो, इसकी निकालना हो, तो क्या होगा इसका वन अपॉन हो जाएगा, ठीक है, इसके आंसर हो जाएगा। इसके स्क्रीनशॉट लो, आगे देखते हैं इसी, इसके आगे देखो, इसके आगे देखते हैं, ये फॉर्मूला हो गया, इसके आगे देखो अगला फॉर्मूला क्या बनेगा, अपना अगला फॉर्मूला बनाया अपन लोग, क्या होगा देखो। अभी क्या था, अपन ने क्या उठाया था कॉट को उठाया था, इस तरफ डाला था। अब यदि कॉट को यही रहने दो, कॉट स्क्वायर थीटा, अब यहां क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, वन को लाओ इधर, वन को यहां लाए, तो फिर से वही फॉर्मूला बन गया, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक ब्रैकेट में कोसेक थीटा प्लस वन और दूसरे ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस वन, कोसेक थीटा प्लस वन और कोसेक थीटा माइनस वन। अब इसे कॉट इंटू कॉट लिखोगे, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, यहां क्या लिखोगे कोसेक थीटा प्लस वन दूसरे ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस वन, एक को यहां उठा के यहां ले जाओ और एक को वहां ले जाओ, तो कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस वन इक्वल कोसेक थीटा माइनस वन अपॉन क्या आएगा कॉट थीटा। ये अपना फॉर्मूला बन चुका है अगला, ठीक है। तो मैंने अब सेम अभी तो समझा चुके, अगर इसकी वैल्यू दी हो तो यहां बराबर होने चाहिए, कैसे गुणा करके बताया था, ठीक है, तो इसके आगे इसमें नहीं बताएंगे, ठीक है। ये अपना अगला फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसके बाद अपना क्या बचा, एक स्क्वायर और क्यूब, सेम तीनों में एक ही रूल से सॉल्व करना है तीनों को। अब एक बार अपन स्क्वायर करके देखते हैं, एक बार अपन स्क्वायर करके देखेंगे किसमें, इसमें, इसमें स्क्वायर कैसे होगा अपना, इसमें स्क्वायर होगा, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं यहां बन रहने दो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल वन। अब मैंने यहां पे दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो क्या आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी टू कॉस स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, यहां फोर आएगा फोर थीटा, क्योंकि दो यहां पहले से थे पावर में दो और स्क्वायर की, तो चार हो जाएगी, ठीक है, इक्वल वन, ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद कोसेक की पावर फोर थीटा प्लस कॉट की पावर फोर थीटा इक्वल वन, माइनस का टू है तो यहां प्लस का टू कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अपना ये नया फॉर्मूला बन के तैयार, नया फॉर्मूला बन के क्या हो गया ये तैयार, सेम दोनों पक्ष के इतना आया, दोनों पक्षों में अपन ने क्या कर दिया वर्क कर दिया, तो क्या आया वन प्लस टू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी ये और इसकी वैल्यू ये, ठीक है, इतना हो गया। एक बार स्क्वायर कर लिया, अगली बार अपन क्यूब करेंगे, ठीक है, तो यहीं से क्यूब कर देते हैं डायरेक्ट, आगे नहीं करेंगे सॉल्व, यहां से क्यूब कर दो डायरेक्ट, यहां से क्यूब करते हैं, ठीक है, यहां से क्यूब करते हैं, तो क्या आएगा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो कोसेक की पावर सिक्स थीटा माइनस कॉट की पावर सिक्स थीटा, ठीक है, कोसेक की पावर सिक्स थीटा माइनस कॉट की पावर सिक्स थीटा, ए का क्यूब बी का क्यूब, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ये माइनस बी थ्री ए बी माइनस थ्री ए की जगह कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा ए माइनस बी, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, और वन का वन, वन का तो वन होगा चाहे क्यूब करो या स्क्वायर करो, वन का तो हमेशा वन रहेगा। यहां से क्या प्रूव होगा अपन को कोसेक की पावर सिक्स थीटा माइनस कॉट की पावर सिक्स थीटा, ठीक है,
ये क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या पहले से क्या था वन, तो ये तो क्या हो जाएगा वन, तो इसे ये क्या हो जाएगा इधर वन हो जाएगा, तो इसे हटा दू ठीक। तो कोसेक की पावर सेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट की पावर सेक थीटा ठीक है, तो यहां तो वन था, यहां ये वन हो जाएगा ब्रैकेट का पूरा, क्यों, क्योंकि यहां से अपन को कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन, तो यहाँ वन रख देंगे तो ये तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा वन की, तो वही चीज आएगी, यहाँ वन था ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ वन और ये थ्री प्लस का हो जाएगा थ्री कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, क्या बन गया ये एक नया फॉर्मूला बन गया ठीक है। तो अपन ने क्या है, अपन ने क्या किया अभी तक स्क्वायर किया, पहले इस बार क्यू किया, तो अपना ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया ठीक है। क्या होगा कोसेक की पावर सेक थीटा माइनस कॉट की पावर सेक थीटा बराबर वन प्लस थ्री कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा ठीक है, स्क्वायर है ये ठीक है। तो अपने ये तीनों फॉर्मूले थे ठीक है, अपने तीनों फॉर्मूले कंप्लीट हुए ठीक है। अपन क्या करेंगे, अब अपना होगा क्वेश्चन चालू, क्या होंगे अपने होंगे यहां से क्वेश्चन चालू, ये मुझे लर्न चाहिए कल की क्लास में, वरना अगर ये लर्न नहीं होंगे, अगर ये लर्न नहीं होगा तो टेक्नोमेट्री तुम्हें नहीं आएगी, इसलिए इन्हें तो लर्न करना ही पड़ेगा। तो अपनी आज तक की क्लास में यही था, अपनी दो क्लासें कंप्लीट हो गई और जितने भी छोटे छोटे फॉर्मूले थे वो भी कंप्लीट कर लिए, उनसे बने हुए थे थोड़े बहुत वो भी कंप्लीट कर लिए। अपनी कल से क्लास स्टार्ट होगी जो डायरेक्ट क्वेश्चन से होगी, पहले क्वेश्चन से ठीक है, और क्वेश्चन नंबर वन से अपन बेहतरीन तरीके से इन फॉर्मूलों की मदद से उन्हें सॉल्व करेंगे। और हमारे साथ आप लोग जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहें। जय हिंद।